है, सुबह के 11 बजने को है, बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, 7 घंटे 11 मिनट का वक्त है प्रचार प्रसार के लिए। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बात मसूरी विधानसभा की करें तो ये VIP सीट है, यहाँ से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भाजपा का परचम लहराने के लिए एक बार फिर से मैदान में है, जो सुबह से ही चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। गणेश जोशी से खास बातचीत की बीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने, क्या कुछ कहा सुनाते हैं। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और एबीपी गंगा की टीम अलग अलग जगह पहुंची है। इस वक्त मैं गणेश जोशी जी के घर पर हूं, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं सरकार में। और जोशी जी, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, बिल्कुल ठीक है। चुनाव प्रचार में बहुत घूमे हैं, कैसे कैसा लगा है, कैसा लग रहा है पूरा प्रचार? देखिए, मेरी लांचों की जो की स्थिति है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन है, कहीं ऊंची नीची चिड़ियाँ हैं, सब जगह जाना पड़ता है। लेकिन जहाँ भी जा रहा हूँ, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं 5 साल लगातार जनता के बीच में रहा हूँ, इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जहाँ विधायकों को लोग पूछते हैं कि आज दिखाई दिए, मुझसे कहते हैं कि विधायक जी, ये आपने 4 काम तो रह गए, छोटा सा काम इसको जोड़ करा देना आप। परीक्षा आपकी होने वाली है, आपने जो भी मसूरी में काम किया, कैबिनेट मिनिस्टर भी आप रहे हैं और आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो आज क्या करने वाले हैं? देखिए, परीक्षार्थी को ये कंफ्यूज होता है कि जो पूरे साल पढ़ाई करता है, उसे पता होता है कि मुझे कितने नंबर मिलेंगे मुझे, और जो सिर्फ गैस पेपर के उस पर आखिरी समय पर जो पढ़ाई करते हैं उसमें अंतर होता है। मैंने लगातार पूरे 5 साल पढ़ाई की है और उसी के आधार पर मुझे मालूम है कि मुझे मेरे क्षेत्र की जनता जो है ठीक सही नंबर मुझे मिले। आज उनकी बेटी भी हमारे साथ में, नेहा जोशी। नेहा जोशी ने भी एक बड़ा अच्छी भूमिका निभाई है अपने पिताजी के प्रचार में, और देखो सुबह घर पे पहुंच गई हैं और उनसे ही बात करते हैं। नेहा जी, आपका भी बड़ा अच्छा रहा है, आप पूरे अपने पिताजी के साथ घूमी हैं, यूथ भी हैं, तो कैसा समर्थन? देखिए, एक बेटी होने के साथ साथ संगठन की भी मुझे जिम्मेदारी है, तो जाहिर है कि अब की बार 60 पार का जो नारा दिया है उसकी शुरुआत में चाहती हूँ कि हमारी गृह विधानसभा मसूरी से ही हो, और लगातार हम लोग यूथ के बीच में जा रहे हैं। और यूथ का बहुत, कल एक बहुत विशाल युवा सम्मेलन विधानसभा में हुआ, मंगल पांडे जी जो बिहार में मंत्री हैं वो थे, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी हमारे बीच में होंगे। जो भी नेता अपने अपने क्षेत्रों में गए उनकी परीक्षा होगी और फिर ये तय देखा जाएगा कि जनता ने किसको अपना विधायक चुना है। देहरादून से हमने सहयोगी की क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी। देखिए, रणभूमि लाइव आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में 13 जिले और 70 विधानसभा की सीटें, हर एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, कोई भी छूटेगी नहीं। और साथ ही उत्तर प्रदेश के 9 जिले 55 विधानसभा की सीटें, हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, पीछे काउंटडाउन भी चल रहा है।